keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students! नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी स्वस्थ और खुश होंगे। विषय हिंदी, कक्षा चौथी, पाठ तीतर। तीतर एक कविता है। तीतर को इंग्लिश में पार्ट्रिज बोलते हैं। आज हम तीतर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। तीतर एक पक्षी है जो ज़्यादातर झाड़ियों में रहना पसंद करते हैं। भारत में इस पक्षी की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। यह रंग बिरंगे सफ़ेद, काले और भूरे रंगों की पाई जाती है। तीतर पक्षी उड़ने में कम सक्षम होता है या बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाता है, इसलिए आम तौर पर यह जमीन पर ही रहता है। इसकी उड़ान छोटी और कम समय की होती है। तीतर अपना घोंसला जमीन पर ही बनाता है। यह घोंसला घास की बनी होती है। जमीन पर घोंसला बनाने का मुख्य कारण यह है कि वह कीड़े मकोड़े और कीट पतंगे आसानी से खा सके। आइए बच्चों, तीतर कविता का स्वस्वर वाचन करते हैं। इस कविता के कवि हैं श्रीधर पाठक। बच्चों, इस झाड़ी के भीतर छिपा हुआ है जोड़ा तीतर। फिरते थे वे अभी यहीं पर, दाना चुगते हुए जमी पर। एक तीतरी है एक तीतर, हमें देखकर भागे भीतर। आओ आओ, इनको जरा डराकर ढेला मार निकाले बाहर। या देखो वे दोनों भागे, खड़े रहो चुप बढ़ो ना आगे। अब सुन लो इनकी किलकारी, एक अनोखे ढंग की प्यारी। तीतड़ तीतड़ तीतड़, नाम इसी से इनका तीतड़। तो आइए बच्चों, कविता की पहली चार पंक्तियां पढ़ते हैं। बच्चों, इस झाड़ी के भीतर छिपा हुआ है जोड़ा तीतर। फिरते थे वे अभी यहीं पर, दाना चुगते हुए जमी पर। कठिन शब्द देख लेते हैं। झाड़ी, जिसे इंग्लिश में बुश कहते हैं, जहाँ छोटे छोटे पेड़ होते हैं। जोड़ा तीतर यानी दो तीतर। कविता का अर्थ इस प्रकार है, कभी बच्चों से यह कह रहे हैं कि झाड़ी के अंदर दो तीतर छुपे हुए हैं और दोनों तीतर कुछ समय पहले यानी थोड़े समय पहले ही जमी पर, जमी मीन्स जमी का मतलब होता है जमीन, जमीन पर दाना चुगते हुए देखे गए हैं। तो आइए बच्चों, कविता की अन्य चार पंक्तियां पढ़ते हैं। एक तीतरी है एक तीतर, हमें देखकर भागे भीतर। आओ इनको जरा डरा कर ढेला मार निकाले बाहर। कठिन शब्द, तीतरी मादा तीतर, फीमेल तीतर। तीतर नर तीतर, मेल तीतर। ढेला मिट्टी का छोटा टुकड़ा। कविता का अर्थ इस प्रकार है, कभी बच्चों से कहते हैं कि झाड़ी के अंदर कोई एक तीतरी और एक तीतर छुपा हुआ है जो हम लोगों को देखकर झाड़ी के अंदर भाग गया है। तो आओ बच्चों, ढेला मारकर इन्हें झाड़ी से बाहर निकालें। तो आइए बच्चों, कविता की अन्य पंक्तियां पढ़ते हैं। यह देखो वे दोनों भागे, खड़े रहो चुप बढ़ो ना आगे। अब सुन लो इनकी किलकारी, एक अनोखे ढंग की प्यारी। तीतड़ 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 तीतड़, नाम इसी से इनका तीतर। किलकारी अर्थात खुशी भरी आवाज। कविता का अर्थ समझते हैं, कभी बच्चों से कह रहे हैं ये देखो वे दोनों तीतर यानी जोड़ा तीतर झाड़ी के अंदर भाग गए। बच्चों चुपचाप खड़े रहो, झाड़ी के अंदर जाने की चेष्टा ना करो। कभी फिर बच्चों से कहते हैं, लो सुन लो तीतर की किलकारी भरी आवाज। तीतड़ 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 तीतड़, और अपने इसी आवाज की विशेषता से इस पक्षी का नाम तीतर पड़ा। आइए बच्चों, कविता में आए कठिन हिंदी शब्दों के समानार्थी अर्थ भी जान लें। जोड़ा अर्थात दो, जमी जमीन, तीतरी मादा तीतर, ढेला मिट्टी का छोटा टुकड़ा, किलकारी खुशी से भरी हुई आवाज, तीतड़ तीतर की बोली। आइए बच्चों, कठिन हिंदी शब्दों के अंग्रेजी अर्थ भी जान लें। झाड़ी बुश, छिपना हाइट, तीतर पैट्रिज, जमी या जमीन लैंड, डराना स्केयर, किलकारी श्रिक स्क्विल, अनोखा यूनिक, जोड़ा तीतर टू पैट्रिजेस कपल फीजेंट।
दाना, ग्रेन, चुगना, पिकिंग, ढेला मारना, बॉवेल, लंपअप, ढंग, बिहेवियर, प्यारी, लवली, चुप, क्वाइट। इस प्रकार आपने कठिन हिंदी शब्दों के अंग्रेजी अर्थ भी जान गए। बच्चों, आप घर में स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्रतिदिन कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।